इसके प्रधानमंत्री जी आते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व आता है तो नई ऊर्जा प्राप्त करता है और नई ऊर्जा के साथ जनता की सेवा के लिए फिर वो आगे काम करता है। और अभी सदस्यता अभियान में ये बड़ा काम आया। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट विहार, झारखंड देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक समाप्त हो गई है। आपको बता दें, इस बैठक में बीजेपी की तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य थे उनके साथ जेपी नड्डा रात के 11 बजे तक मीटिंग लेते हैं। मीटिंग लेने के बाद तमाम जो नेता हैं उनको टास्क दिया जाता है, बिहार विधानसभा में बीजेपी को किस रणनीति पे काम करनी है। वही आपको बता दें, लगातार बीजेपी में अब बैठकों का दौर शुरू है। नित्यानंद राय हो, सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, विजय सिन्हा हो, चाहे जनक चमार हो, जीएस मिश्रा हो, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो बीजेपी में बैठक में भाग लिए और बाहर निकले। जब बाहर निकले तो जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा से जब पूछा गया कि आखिर बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा और किन बातों को लेकर ज़्यादा इस बैठक में फोकस किया गया, क्या कुछ टास्क मिले जेपी नड्डा की तरफ से, तो क्या कुछ कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, पहले अपन के बयानों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक परिवार के समूह के तरह पार्टी है और कार्यकर्ता जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व आता है तो नई ऊर्जा प्राप्त करता है और नई ऊर्जा के साथ जनता की सेवा के लिए फिर वो आगे काम करता है। और अभी सदस्यता अभियान में ये बड़ा काम आएगा, कार्यकर्ता उत्साहित हुआ है, इसका असर हमारी सदस्यता पर पड़ेगा और बड़ी पार्टी बिहार के ही नहीं देश के हम बनेंगे और पिछले बार से दुगना कदम हम लोग बढ़ाएंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव है, क्या लीडर, क्या मार्गदर्शन मिला है नड्डा जी से आप लोग को? बिहार की सेवा के लिए, बिहार के विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करना है, इसके लिए हर कार्यकर्ता को पूरी ताकत से एक सेवक के रूप में काम करना है। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि बिहार को विकसित राज्य कैसे बनाना है, इसको लेकर जेपी नड्डा ने हम लोग को मंत्र दिया है। वही आपको बता दें, जो सस्ता अभियान बीजेपी चला रही है उस सस्ता अभियान को कैसे धार देना है और कैसे पूरे बिहार में उसको जो सक्सेस है उसको सफलता दिलाना है, उन सभी तमाम चीज़ों को लेकर रणनीति बना गई। और 2025 में बिहार को विकसित बनाने के लिए तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को एड़ी चोटी एक करने का दिशा निर्देश दिया गया है जेपी नड्डा के तरफ से, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज उन दो दिवसीय दौरे पे बिहार में है। बराज खबर इतना ही, इसी तरह तवा खुले बने रहे, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। दिशा निर्देश आप लोग को मिला था? अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।